नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। किसी भी ग्रह का मौजूदा राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया उस ग्रह का गोचर या राशि परिवर्तन कहलाता है। 5 दिसंबर 2022 यानी आज शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में परिवर्तित हो चुका है। शुक्र ग्रह को विलासितापूर्ण वस्तुओं का ग्रह माना गया। इस ग्रह का राशि परिवर्तन वैसे तो सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा, परंतु इसका असर कुछ राशियों पर विशेष प्रकार से दिखने को मिलेगा। ये जानते हैं कौन सी राशियां जिनसे आज का खत्म हो गया। इन राशियों का खराब समय और शुक्र अभी इन्हें धनवान बनाने की राह पर है। मेष राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए शुभ है। मेष राशि में शुक्र ग्रह का गोचर भाग्य अथवा धन भाव में होने से इस राशि की जातकों को करियर में जाने से तरक्की मिलेगी। नौकरी पैसा, व्यक्ति को अच्छे पद पर प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में लाभ होगा। सिंह राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का गोचर सफलदायी माना जा रहा है। कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। सिंह राशि के जातक यदि नौकरी परिवर्तन का मन बना रहे तो यह सर्वोत्तम समय है। कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का राशि वृश्चिक है, उनके लिए शुक्र ग्रह का गोचर लाभकारी रहने वाला है। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिसके कारण इस राशि के जातकों को हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही विलासितापूर्ण वस्तु का आनंद उठाएंगे। इस समय कोई नया इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा। तुला राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि तुला, इनके लिए शुक्र ग्रह का गोचर राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह का तुला राशि के तीसरे घर में प्रवेश होने से इस राशि के जातकों को धन लाभ होगा। ग्रह गोचर के चलते पारिवारिक सुख सुविधा बढ़ेगी, रुका धन मिलेगा, पुराने लंबित कार्य पूरे होंगे। तुला राशि के जातकों को अच्छी खबर मिलने वाली है। कुंभ राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि तुला है, उनके लिए शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन लाभकारी रहेगा। शुक्र का कुंभ राशि के 11वें भाव में परिवर्तन इस राशि के जातकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। आय के कई स्रोत बढ़ेंगे। भूतकाल में किया गया निवेश सफल देगा। भविष्य में संबंध अच्छे बन सकते हैं।